पूरे देश के साथ रीवा में भी याद किए गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम आपको बता दें, आज से ठीक 143 साल पहले भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल इस दुनिया में आए थे। सरदार पटेल ने देश की आज़ादी, या यूं कहें देश को एक सूत्र में पिरोने में सार्वधिक भूमिका निभाई। आज हम जिस भारत को देख रहे हैं, उसे बनाने में सरदार पटेल का योगदान याद करते हुए रीवा शहर में उनकी 143वीं जयंती में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां एक और नए बस स्टैंड के समान तिराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाने प्रदेश शासन के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल महापौर ममता गुप्ता के साथ पहुंचे। वहीं दूसरा आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल सेवा संस्थान में आयोजित हुआ। यहां पर पटेल समाज के लोगों ने लौह पुरुष को याद करते हुए कहा, आज फिर से देश को एक लौह पुरुष की जरूरत है। हम आपको बता दें, आज गुजरात में सरदार सरोवर बांध के किनारे केवड़िया गांव में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया। अभी तक चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 153 मीटर सबसे ऊंची प्रतिमा थी। सरदार पटेल की प्रतिमा इससे 29 मीटर ज़्यादा यानी 182 मीटर ऊंची है। सरदार पटेल की प्रतिमा रीवा के समान तिराहे पर जिस जगह स्थापित है, उसकी टाइल्स भी उखड़ने लगी हैं। कहा जा सकता है महापुरुष केवल साल में 2-3 दिन ही लोगों को याद आते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानी श्री बीपी पटेल जी हमारे, मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा सीताराम पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती आप लोग मना रहे हैं, इसमें क्या खास है और क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से मना रहे हैं? ये हम लगातार कई वर्षों से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती निराला नगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट के माध्यम से मनाते चले आ रहे हैं। उसी तारतम्य में भी इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण भी किया। आज पूरे देश में सरदार पटेल जी के नाम से रन ऑफ यूनिटी का एक यात्रा निकाली गई है और एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज 31 अक्टूबर 2018 को 173वीं जयंती राष्ट्र निर्माता भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। वायसराय लॉर्ड बेबेल ने तो यहाँ तक कहा था कि ये भारत के लिए बिस्मार्क हैं, भारत के लेनिन हैं, गुजरात के जो है न केसरी हैं और किसानों के मसीहा हैं। उन्होंने देश के लिए इतना काम करना चाहते थे। इस पर जेआरडी टाटा ने जब एक त्रिमूर्ति उस समय जो देश की आज़ादी के समय लगे हुए थे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय जेआर टाटा का ये कमेंट है कि जब मैं गांधी जी से मिलता था तो गांधी जी उत्साहित तो करते थे लेकिन थोड़ा डाउट रहता था कामों में, लेकिन वहीं पर जब मैं नेहरू जी से मिलता था तो नेहरू जी काफ़ी प्रोत्साहित दिखते थे लेकिन कंफ्यूज रहते थे, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष से मिलता था तो दिल खुश हो जाता था और मुझे ये लगता था एक हम मजबूत व्यक्ति के साथ हैं और हमारा जो रक्षा करने वाला मजबूती के साथ हैं और इसी के द्वारा हमारे राष्ट्र की रक्षा संभव है।
हम लोग यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 133वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर जो भी अपने मुख्य अतिथि हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं अथवा जो वक्ता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल के कृतित्व और व्यक्तित्व पर मंथन करेंगे, उसी पे बोलेंगे और उसी से प्रेरणा लेकर, उसी से संकल्प लेकर हम अपने कार्य की अगली रूपरेखा बनाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं नए बस स्टैंड के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल तिराहे पर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को आज फूलमाला पहनाकर महज रस्म अदायगी कर दी गई है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर उनकी प्रतिमा का देखभाल किस तरह किया जा रहा है। एक बार बनाने के बाद आज तक यहाँ पर टाइल्स टूटे फूटे बिखरे हुए पड़े हुए हैं, किसी तरीके की कोई भी देखभाल नहीं की जाती। महज उनके जन्मदिन पर एक रस्म अदायगी की तरह उसकी साफ सफाई कराकर चार फूल चढ़ा दिए जाते हैं और उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर दी जाती है। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।